सर विद्यार्थियों ने सत श्रीकाल। नौवीं क्लास का टॉपिक असी शुरू किया लीनियर इक्वेशन्स इन टू वेरीएबल्स यानी कि दो चलों वाले रेखी समीकरण। ये 4.2 अभ्यास ही करन जा रहे। ये अं देखांगे किसी लीनियर इक्वेशन का हल, ठीक है, रेखी समीकरण का हल, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हुण पहला प्रश्न जिहड़ा इहदे विच इक्वेशन दित्ती है, सानूं तीन ऑप्शन दित्ती है, कहिंदा विच वन ऑफ द ऑप्शन इज़ ट्रू, किहड़ा सही है ते क्यों। ठीक है, इक्वेशन है वाई इज़ इक्वल टू 3x + 5। कहिंदा इहदा यूनीक सोल्यूशन होएगा, ओनली टू सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस, सिर्फ एक हल होएगा, दो हल होणगे या अणगिणत रूप विच कई हल होणगे। हुण इक्वेशन है साढ़े को वाई इज़ इक्वल टू 3x + 5। सोल्यूशन का मतलब होंगे असी एक्स ते वाई दे दो मुल पता करने, एक एक्स का मुल एक वाई का मुल, ताकि इत्थे भरन ते अब बराबर तो लैफ्ट साइड ते राइट साइड दोवें इक्वल हो जाए। ठीक है, देखो जे मैं एक्स की जगह ते भरा दो ते फिर वाई की जगह ते की भरांगा ताकि दोवें पासे बराबर हो जाए, 3 × 2 = 6, 6 × 5 किन्ना आएगा इधर 11, इहदा मतलब एक हल इहदा इह आ गया एक्स दो ते वाई 11, पहला हल ये हो गया। ठीक है, उस तो बाद जे मैं एक्स की जगह ते 3 भरा फिर इधर किन्ना आएगा 14, 3 × 3 = 9 + 5 = 14, एक्स 3 y 14, ये दूसरा हल। फिर जब वाई की जगह तो मतलब मैं एक भी भर सकता, एक्स की जगह पर 3, एक्स की जगह पर 1 भी भर सकता, ये अपने जो मर्जी भरी जाओ, फिर इधर 8 आ जाएगा, 3 × 3 = 5 = 8, एक हल ये भी आ गया। इस तरह मैं कई हल पता कर सकता है, जिन्हें मर्जी एक्स की वैल्यू जो मर्जी भरी जाओ, क्योंकि 1, 2, 3, 0 भर सकते, जो कोई ऋणात्मक संख्या भर सकते, धनात्मक, अणगिणत संख्यावान जिनी मर्जी भरो, तो ये अणगिणत हल जिन्नी है अं एक्स की वैल्यूज़ भरी जावे उन्नी है साढ़े को वाई की वैल्यूज़ आई जाएगी। यदा मतलब यदा ना तो सिर्फ एक हल होएगा ना ही दो होंगे, ये अणगिणत रूप में कई हल होंगे यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस। ठीक है, हम सैकेंड क्वेश्चन जोड़ा है उद्दे सू तीन इक्वेशन गिवन है तो इन दे चार हल पता करने हैं, तो दस अणगिणत रूप में कई हल होंगे ने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, असं सिर्फ चार हल पता करने हैं। हुण इक्वेशन जिस तरह फस्ट पार्ट है 2x + y = 7, ठीक है, चार हल पता करने यानी कि एक्स ते वाई दे वाई दा मुल। सब तो पहला देखो एक्स इस हिसाब ना वैल्यूज पर नहीं है कोई 7 दे इक्वल आ जाए, एक्स 1 तो इधर किन्ना आएगा फिर 5, फिर ही 7 होएगा ना, 2 × 2 = 5 = 7, इहदा मतलब एक हल आ गया 1 ते 5। फिर जे मैं एक्स की जगह ते 2 लिखा फिर वाई की जगह तो किन्ना आएगा ताकि ये बराबर हो जाए, किन्ना आएगा 3, 2 × 2 = 4 ते 3 = 7, दूसरा हल आ गया 2 ते 3। फिर जे मैं एक्स की जगह तो 3 लिखदा इधर फिर किन्ना आएगा साढ़े को 3 × 2 = 6 ते 1 = 7, यानी कि 3x3 / y = 1 आएगा। फिर जे मैं एक्स की जगह तो 4 लिखदा हुण इत्थे y की जगह तो की आएगा, देखो आ 4 × 2 = 8 कि 8 हो गया 7 तो वध गया, इहदा मतलब इत्थों 1 घटाउणा पैणा, 8 - 1 = 7, ते चौथा हल किहड़ा आ गया 4 ते - 1, ये हो गए इस इक्वेशन दे चार हल हो गए। ठीक है, और नैक्सट बाकी दो पार्ट भी इस तरह करने हैं। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है तीसरा, उहदे विच सानू एक इक्वेशन गिवन है, इत्थे मैं कर दिंदा x - 2y = 4, विच आर नोट चैक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नोट। सानू कुछ ऑप्शन गिवन है उन्होंने ये दसना कि सोल्यूशन हैगे तो किड़े सोल्यूशन नहीं है। हम सोल्यूशन उ हो गए जोड़ा इनू सैटिस्फाई करेगा, जिस तरह फस्ट पार्ट है, फस्ट पार्ट में एक्स 0 ते y 2, ठीक है, पहला मुल हमेशा एक्स का होंगे दूसरा वाई का होंगे। हुण इस इक्वेशन में प्लेस करके देखो एक्स 0 - 2 y की जगह पर किन्ना गया 2, ये जे तो लैफ्ट साइड तो राइट साइड बराबर आ गई तो मतलब सोल्यूशन होएगा, ये आ गया 0, 2 × 4, हुण -4 जिहड़ा 4 के बराबर नहीं है, इहदा मतलब 0, 2 जिहड़ा आ इक्वेशन 1 का
हल नहीं है। ठीक है, जे तो बराबर आते ने फिर हल होएगा। जिस तरह थर्ड पार्ट जो हल होया ना, थर्ड पार्ट विच सोल्यूशन गिवन 4-0 ये देखो इक्वेशन साढ़े को हैगी है एक्स माइनस 2y बराबर 4। असी देखना इधर 4-0 यदा हल है कि नहीं। हम एक्स की जगह 4-2y की जगह पर 0 तो 4-0 बराबर 4 इतने आ गया 4 बराबर 4। ये मतलब ये जरा 4-0 है इस इक्वेशन का एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, यदा हल हैगा। क्लीयर, एक नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन है तुहाडा लास्ट जिहड़ा, उहदे विच सानू के दी वैल्यू कढ़न वास्ते क्या आ। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है तो उहदा सोल्यूशन गिवन है सानू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2 y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k to find the value of k, k da mul pata karo, find k. theek hai, ye jehdi equation hai 2x plus 3y is equal to k, x barabar 2 te y barabar 1 इस सोल्यूशन ऑफ ए दा की है सोल्यूशन है। ठीक है, तो इहदा मतलब इनू फिर सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई करन दा मतलब है कि एक्स दा मुल 2 भरन ते वाई दा मुल 1 भरन ते एक ए दे बराबर आ जाएगा। लैफ्ट साइड ते एक्स ते एक्स दी वैल्यू 2 भरन ते वाई दी वैल्यू 1 भरन ते राइट साइड यानी कि के दे बराबर आएगा। एक्स दी वैल्यू 2 होगी ते वाई दी वैल्यू होगी 1। ठीक है, एक्स दी जगह 2 वाई जगह 1। हुण इह दो दूनी 4 ते 3 एकम 3 ते 4 ते 3 किन्ने हो गए 7। इहदा मतलब साडे कोल के दी वैल्यू आ गई 7। बहुत ही सिंपल जिहा सीगा। ठीक है, ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। इस तों नैक्सट असी ग्राफ्स करांगे कि जिहड़ी लीनियर इक्वेशन है रेखी समीकरण है उहनूं असी ग्राफ ते किस तरह प्लॉट करदे, इह वी बहुत इंट्रस्टिंग ते वधिया टॉपिक है। सो धन्नवाद सारिआं दा।